हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफशास टेस्टी फूड। होप यू ऑल आर वेल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी लाजवाब पनीर कोरमे की रेसिपी। ये बहुत ही डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर कोरमा आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी कोरमा बनकर तैयार होता है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर कोरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ 500 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। यहाँ मैंने पीसीस को थोड़ा मोटा कट किया है, आप चाहे तो पतला भी इसको कट कर सकते हैं। दो मैंने यहाँ मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, टमाटरों को भी मैंने कट कर लिया है। दो से तीन मैंने यहाँ हरी मिर्ची ली है और कुछ मैंने यहाँ काजू लिए हैं। आप देख सकते हैं ये छोटी वाली कटोरी है तो ये हाफ मैंने यहाँ लिया है। काजू ऐड करने से हमारी ग्रेवी बहुत ज़्यादा स्मूदी बन के रेडी होती है। दो मीडियम साइज़ की प्याज ली है, प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया है। प्याज को स्लाइस में कट करके इसको ब्राउन कर लिया था और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया था ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। इसमें हमारी प्याज का क्रिस्पी दानेदार होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ऑयल को मैं अच्छे से हीट कर लूँगी और आधा चम्मच से कम मैंने यहाँ पर देसी घी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप यहाँ पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर बटर भी नहीं है तो दोनों को आप स्किप कर सकते हैं। बटर और घी का बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है कोरमे में। तो यहाँ मैं टमाटर ऐड कर दूंगी और साथ ही में हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी और काजू भी ऐड कर दूंगी। अब हमें सिंपली इसको थोड़ा सा भूनना है और भूनने के बाद हमें इसको ढककर बनाना है। हमें इसको सॉफ़्ट होने तक अच्छे से बनाना है। ये जो हमारे टमाटर हैं ये बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं, तो मैं इसे ढक देती हूँ। अब चेक कर लेते हैं। देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं, बन चुके हैं, और मैंने इसे स्पून से अच्छे से मैश कर लिया है। अब जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमें इसकी एक प्यूरी रेडी कर लेनी है जी। अब हम अपने पनीर को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ऑयल को मैंने बहुत अच्छे से हीट कर लिया है। उसके बाद एक एक करके जितने भी पनीर के पीसीज हैं मैं इसमें ऐड कर दूँगी और यहाँ पनीर को हमें सिंपली शैलो फ्राई करना है। एक अच्छा कलर आने तक हम पनीर को फ्राई करेंगे। तो बस यहाँ जितना पनीर था मैं सब धीरे धीरे इसमें ऐड कर दूंगी, बाकी का भी मैं इसमें बाद में फ्राई करूंगी। अभी इसमें हाफ मैंने ऐड किया है। तो बस पनीर को हमें उलट पुलट के चारों तरफ से बहुत अच्छे से फ्राई करना है, एक गोल्डन ब्राउन होने तक। जब पनीर हमारा सब फ्राई हो जाएगा तो हमें गुनगुने पानी में पनीर को थोड़ा सा नमक डालकर डिप कर देना है। ऐसे करने से हमारा पनीर जो है वो बहुत सॉफ़्ट रहता है, रबर सा नहीं होता है। इसकी सॉफ्टनेस जो है वो बरकरार रहती है। तो हम यहाँ पर पनीर को फ्राई होने के बाद पानी में कुछ देर के लिए रख देंगे। अब यहाँ हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप से कम ऑयल लिया है। ऑयल को बहुत अच्छे से हीट कर लिया है। 5 मैंने यहाँ लौंगे, 4 हरी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ऑयल आप यहाँ कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, यानी कि 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच यहाँ लहसुन का पेस्ट लिया है। अब हमें इसको पहले थोड़ा सा भून लेना है। जब आप ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालें तो केयरफुली डालें, ये ऊपर उछलने लगता है जब हम इसे ऐड करते हैं। गैस का फ्लेम आप अपना लो रखें और लो फ्लेम पर आप इसको थोड़ा सा भून लें। तो बस मैं इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, और साथ ही में मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच गरम मसाला। बैकग्राउंड में बहुत शोर हो रहा है, प्लीज़ आप उसको इग्नोर करें। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड करें वरना स्किप कर दें।
एक चम्मच यहाँ मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। अब आधा चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। सभी को अच्छे से भून लेते हैं। एक चम्मच मैंने यहाँ इसमें नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिए कि आपको इसमें कितना रखना है। सबको बहुत अच्छे से मैं यहाँ भून लेती हूँ। जब भी मसाले ऐड करें तो गैस के फ्लेम को लो ही रखें। अब यहाँ जो मैंने प्याज फ्राई की थी उसको मैंने मिक्सी में डाल के दरदरा इसको पीस लिया था। अब मैं इसमें वो ऐड कर रही हूँ और प्याज ऐड करने के बाद मैं इसको बहुत अच्छे से इसकी मैं भुनाई करूँगी। तो बस हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। सभी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है। अब यहाँ हमने टमाटर, मिर्ची और काजू की जो प्यूरी रेडी की थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इसे ऐड करने के बाद भी हमें इसको बहुत अच्छे से भून लेना है। इसकी जितनी भुनाई अच्छी होगी टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। तो बस आपको यहाँ पे लगातार चलाते हुए इसको बहुत अच्छे से भून लेना है। दो से तीन मिनट मैंने इसको बहुत अच्छे से भून लिया था। अब उसके बाद मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। तो ये तीन चम्मच दही था, इसको मैंने बहुत अच्छे से पीट करके अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जब भी आप दही ऐड करें तो गैस की फ्लेम को लो रखें या बंद कर दें। हाई फ्लेम पे दही हमारा फट जाता है जिसकी वजह से टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है। तो बस दही डालने के बाद भी हम इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। दही डालने के बाद भी मैं इसकी दो मिनट तक अच्छे से भुनाई करूँगी। दो मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ मैंने आधी कटोरी क्रीम ऐड की है। ये छोटी वाली कटोरी है, बिल्कुल जो छोटे साइज़ की होती है, तो वो आधी कटोरी लगभग ये दो से तीन चम्मच क्रीम है जो मैंने इसमें ऐड कर दी है। बस क्रीम डालने के बाद भी मैं इसको बहुत अच्छे से भून लूँगी। एक एक चीज़ डालने के बाद मैंने इसको बहुत अच्छे से भून लिया है। सारी चीज़ें एक साथ नहीं डाल के इसको भूना है। देखिए, पनीर को मैंने गर्म पानी में रख दिया था, उससे क्या है आप देख सकते हैं पनीर के पीसीस हमारे कितने सॉफ्ट हैं। बस अब इसके पानी को मैंने निकाल के पनीर भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब अपने सारे मसालों के साथ पनीर को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पनीर को मिक्स करने के बाद अच्छे से इसमें हम बनने के लिए रख देंगे। कम से कम मैं इसको 10 मिनट तक और बनाऊंगी। तो मैंने इसको ढक दिया है और ढक कर मैं इसको 10 मिनट तक बनाऊंगी। चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। तो पनीर हमारा यहाँ बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी पनीर बनकर रेडी हुआ है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर कोरमा बनकर रेडी है। बस अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मैं बारीक बारीक काट के थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देती हूँ। साथ ही मैं यहाँ थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ऐड करूँगी। तो बस थोड़ी सी कस्तूरी मेथी को मैंने अच्छे से क्रश करके वो उस पर ऐड कर दी है। कस्तूरी मेथी से इसका टेस्ट और खुशबू दोनों ही बहुत अच्छी हो जाती है। तो यहाँ हमारा कोरमा बनकर हो चुका है रेडी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बना है। अब हम अपने कोरमे को कर लेते हैं डिश आउट। आप इसको नान के साथ, पराठे के साथ, पूरी, राइस किसी के साथ भी इंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी लगता है सभी के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टेम्प्टिंग माउथ वाटरिंग रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।